वहीं होशंगाबाद के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केंद्र में 8 फीट से ज्यादा लंबा सांप घुस आया। सांप को देखकर वैक्सीन लगवाने आए लोगों में हड़कंप मच गया। अब कुछ देर के लिए केंद्र में अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। सभी लोग सुरक्षित स्थान के लिए भागने लगे। केंद्र में मौजूद लोगों ने सांप निकालने के बाद वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जिसके बाद सांप को काबू करने की कोशिश की गई। सांप इतना फुर्तीला और ताकतवर था कि उसे काबू करने में वन कर्मचारियों को लंबा प्रयास करना पड़ा और इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन का काम ठप पड़ गया। लोग सांप का रेस्क्यू देखने में लगे रहे। दुनिया भर में मशहूर उमरिया जिले के टाइगर रिजर्व में तकरीबन 13 साल की एक व्यस्क बाघिन की मौत हो गई। अब घटना मगधी रेंज के रोहनिया बीट की बताई जा रही है, जहां बीती रात गश्त के दौरान बाघिन को मृत देखा गया। पूरे प्रोटोकॉल के साथ बाघिन का पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं पार्क प्रबंधन की अगर माने तो बाघिन की मौत की वजह बाघों के आपसी संघर्ष का नतीजा हो सकता है। तो बांधवगढ़ में बाघिन का शव मिला मगधी रेंज के रोहनिया बीट की घटना बताई जा रही है। हालांकि पूरे प्रोटोकॉल के साथ बाघिन का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन आखिर किस वजह से बाघिन की मौत हुई, प्राथमिक तौर पे ये पता पड़ा है कि बाघों के आपसी संघर्ष की वजह से हुई है। वन परिक्षेत्र मगधी के अंदर अंतर्गत आने वाली रोहनिया बीट में एक मृत बाघिन का शव पाया गया। उसके बाद क्षेत्र संचालक NTCA के सदस्य और पशु चिकित्सक द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसके जो भी सैंपल्स लिए हैं वो हमने लैब में भेजे हैं, तो उससे टेस्टिंग के बाद वस्तु स्थिति पता चलेगी।